ऐसे अच्छा। हम तो ऐसे के काटते ऐसे के अच्छा, और बेटी बहू ऐसे कर रही काम कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं पेड़ में जाकर ना काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं हमें गाली दे रही हमारे कमर टूट रही। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पन्ना। मैं करण अपने यूट्यूब चैनल चमोली ब्लॉगर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आजकल जो झंगोरा झुंगोरा का न्यार न्यूर होता है उसको कटाई करने के लिए आए हैं ताई जी और मेरी मम्मी लोग, और मैं अभी आया क्योंकि ये क्या बोलते हैं चाय चुई थर्मस थर्मस लेकर आया हूँ मैं खेत में। ताई जी आप बोलेंगे कि क्या हो रहा है आज? हाँ, झंगोरा का घास काट रहे हैं। अच्छा अच्छा, न्यार बोलते हैं इसको गढ़वाली। अच्छा हाँ, और हमारे गढ़वाल में ऐसे ही घास काटते हैं। अच्छा अच्छा, सारे दिन खेतों में रहते हैं। अच्छा, खाना भी खेत में आता है। अच्छा, क्योंकि अभी मैं लेके आया हूँ तो खाना पीना लेके हमारे बेटा आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम खा रहे हैं पी रहे हैं और घास काट रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं आज बुफर लाना भूल गया क्योंकि खेत में डांस भी करते हैं ताई जी लोग। ताई जी की कटाई देख सकते हैं आप, किस प्रकार से कटाई हो रही है खेतों की न्यार की। ताई जी से क्या बोलते हैं? हैं झंगोरा क्या बोलते हैं इसको? झंगोरा बोलते हैं। अच्छा, मतलब इसकी कटाई कब से चल रही है? इसकी कटाई है अगले महीने से। अच्छा, और खेतों की जो ये सीनरी देख सकते हैं आप, और आज का मौसम तो कुछ सुहाना ही दिखाई दे रहा है खेतों के लहराने से, क्योंकि आज तो ताई जी लोग भी आए हैं तो खेतों का बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है आज। तो एक बॉडी फिर से आ चुकी है न्यार न्यूर काटने के लिए है, तो बॉडी में साला लड़ाई कर रही है मेरे को ताई बोल। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं ताई जी आप? बोल, मेरा लड़का है। अच्छा, कटाई कर रहा। अच्छा, कटाई कर रहा है झंगोरा का। झंगोरा का। अच्छा, तो अब इसकी क्या बोलते हैं कटाई कुटाई हो गई, खुम्मा में लगता है जो मतलब पेड़ पूना पे जो डाला डूला रहता है ना, तो उन पे जो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से लग रहा है जो पार खेतों में। मैं आपको ले चलता हूँ, अभी तो इनकी कटाई कुटाई होगी, पुआ पुआ बनेगा, तब जाके खेतों में डाला डूला में लगेगा जिसे हम खुम्मा कहते हैं। और ये लगाया जा रहा है ऊपर डाले में खुम्मा पेड़ों में, और ताई जी नीचे से पुआ दे रहे हैं। अच्छा, तक मुझे पुआ जूँ। अच्छा, डाले के खुम्मा के लिए पुआ दे रहा हूँ मैं ताई जी के पास, वहाँ से पासिंग होगी और ऊपर डाले में लगेगा, पेड़ में लगेगा खुम्बा, होता है तो गिरे ना लेफ्ट पर। तो ऐसे करते करते देंगे हम इस घास को और लगेगा वो ऊपर। और मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि ये जो खुम्बा लगता है ये किस लिए लगता है। तो जब सर्दी का मौसम आता है ना, जब सर्दी का मौसम आता है तो गाय गुई भार भूर नहीं आती है मतलब चढ़ने के लिए, तो इसलिए उनको घास अंदर ही दिया जाता है, इसलिए खुम्बा लगाया जाता है ताकि कल की डेट में गाय गुओं को चारा चूरा के लिए हुए ये घास। चलते हैं पुआ को सारने, क्योंकि अब पुआ भी सारने हैं, पूरा न्यार लग जाएगा तो तब ठीक होगा। पीछे तो बहुत ही अच्छा पर्वत दिखाई दे रहा है, वो डांडा दिखाई दे रहा होगा आपको, डांडा खाल बोलते हैं उसको। और पीछे से जो दो गांव क्या दिख रहे हैं उससे एक ठेली है एक मेड़ है, और ताई जी लोग तो लगे हैं कटाई करने पे। ओ ताई जी लगे हैं, मैंने कहा कटाई करने पे, और पू इस वाले खेत में फेंका है ताई जी लोगों ने जिससे सारने के लिए सुविधा हो जाए। और यहाँ से ताई जी लोग पूल फेंकेंगे और बांध बूंद के फेंकेंगे ताई से पूल, ये फेंक दिया है पूल को, और इसको हम ले जाएंगे एक एक करके। सो फ्रेंड्स, छंटा दिया है ताई जी लोगों ने खेत को, और प्यू प्यू भी बांध दिया है, न्यार न्यूर भी लगा लिया है डाले पे, ये लास्ट पूल रखा है डाले पे लगाने के लिए। और तो और इस पे तो सबसे बहुत ही वो होता है आँख में ना चला जाए कहीं, और अगर मैं काम करते हुए अच्छा दिखाई दे रहा हूँ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एक काम को, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम तो करता नहीं हूँ, ऐसे खेत खोद का काम ही कर लेता हूँ। तो लग चुका है पूरा खुम, ताई जी लोग लगी पूरा खुम। अच्छा, लग गया ना पूरा खुम। हाँ, तो मेरा काम तो इतना ही बनता था। ताई जी आपने छंटा दिया है पूरा काम को? हाँ, छंटा दिया। अच्छा, आपने छंटा दिया ना। हाँ। अच्छा,
और आपने कब से सीखा ऐसा काम ये नियार नूर का? जब मैं 9 साल की थी। 9 साल की थी? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अच्छा तब से सीख लिया था आपने। अब तो मैं बुढ़ा हो गया। अच्छा बुढ़े हो गए। हाँ, मतलब फिर भी काम ही चल रहा है? फिर भी कोई जितना काम करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ताई जी आपने कब से सीखा ऐसा काम, खुम खुम लगाना, ये नियार नूर काटना? हमने 13 साल से। 13 साल से? ओ ताई जी से 4 साल पहले सीखा, मतलब बाद में सीखा हमने, 4-5 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। घर का काम पूरा करते हैं, बेटी बहू नहीं करती है। अच्छा अच्छा। उनको आता भी नहीं है। अच्छा। अगर खेत में आते भी है तो अंगुली काट के ले जाते हैं, इसलिए हम खेत में नहीं भेजते उनको। अच्छा अच्छा जी। सो सुन लिया होगा आपने हमारे ताई जी की बातें को। किसे काटते हैं उनको? ऐसे। अच्छा। हम तो ऐसे के काटते, ऐसे के। अच्छा। और बेटी बहू ऐसे कर रहे। अच्छा अच्छा। ज्यादा जबरदस्ती जोर लगा रहे। ऐसे में ये दरंती पलटा खा रहे हारे। अच्छा। हम ऐसे करते श्या श्या श्या। अच्छा श्या श्या श्या। मतलब हाँ यार ऐसी बात तो है, मतलब जान नहीं आधे एक घंटे में छंटा दिया उन्होंने पूरा खेत को, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा लगा ऐसे काम करते हुए, और आगे भी आप करते रहे ऐसे खेतों में। सो अब चलते हैं घर की ओर, अब क्योंकि घास वो ले लिया है, काट कूट लिया है पूरा, वो सक लिया। ताई त्यो घास कहाँ ची? ताई घास कहाँ है तुम्हारा? घास ऊपर खेत में। अच्छा तो चलते हैं घर की ओर। और ये दतला हर्चा लिया है इन्होंने, और दतला ढूंढते ढूंढते अरे तखे होल तक तखे तो दिया दे। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है, और पीछे तो क्या बोलते हैं भिहो भिहो रखा है, क्योंकि यहाँ से अगर एक बार नीचे गिर गए तो पता नहीं। 5 बजे। अच्छा अच्छा देखना हो तुम। और ताई जी लोग तो अभी पीछे हैं, एक ताई तो हमारे साथ है और ताई जी पीछे है, दूसरे ताई जी और मम्मी वो आएंगे अभी घास घूस लेके। पहाड़ों का तो कुछ अलग ही रौनक रहता है, मज़ा भी आता है यहाँ से नीचे देखने में, जो कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है यहाँ ऊपर आने में। और हम तो घर पहुँच गए हैं, पर अब तो बारिश भी लग गई है हल्का फुल्का हल्का फुल्का, कि अब तो ज़ोरदार बारिश भी लग गई है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।